व्हाइट बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है छोटा सा, ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके साथ मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, तो यू जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स एंड यू विल गेट टू नो के हाउ द सीक्वेंस अलाइनमेंट यूजिंग नीडलमैन एंड स्मिथ वाटरमैन वर्क्स, ठीक है। जब आप दोनों प्रेजेंटेशन और स्लाइड को कंपेयर करेंगे तो यू विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो अगर हम इसको डिस्कस कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो नीडलमैन वंच जो है दिस इज एंड टू एंड अलाइनमेंट, ठीक है। नीडलमैन, ठीक है, दिस इज फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक। ग्लोबल अलाइनमेंट इज फॉर एंड टू एंड अलाइनमेंट, ठीक है। तो एंड तो बेसिक यही है, ठीक है। देयर आर सर्टेन, फॉर एग्जांपल, ए बी सी जी, देयर आर सिक्स सीक्वेंसेस, और यस हमने क्या किया जी, और यहाँ पे भी फिर ए सी डी जी, ठीक है, सीक्वेंसेस। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज इसको, अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। इसी तरह के मैट्रिसेस होंगे और उसमें उसकी अलाइनमेंट होगी, राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम, अब अच्छा, अब ये इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा और इसके रूल्स क्या होंगे, पहले हम रूल्स देख लेते हैं, फिर हम ये मैट्रिक्स फिल करेंगे, ठीक है। रूल्स आप याद रखें, इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा और उसके हमने एंड टू एंड अलाइन करना है, तो उसके बेसिक रूल्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रेजेंटेशन में आपके साथ स्लाइड, जो आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा, उस पीपीटी में वो सारे रूल्स लिखे हुए होंगे, राइट। रूल नंबर वन, ठीक है, कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टॉप, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है अलाइन करने के लिए, लेफ्ट टॉप रीजन से, ठीक है, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, ठीक है, अलाइनमेंट स्टार्ट्स, रूल नंबर वन ये याद, ठीक है। टॉप लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, और जो इसमें आप कह लें जी के जो वेट, ये लाइट क्यों पड़ रही है इस पर, ओके, ठीक है। रूल नंबर टू इज के इनिशियलाइज विद जीरो, ये जब हम यहां से हम टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इफ यू विल कंपेयर इट विद, आप साथ पीपीटी खोल लीजिएगा, ठीक है। आप पीपीटी खोल के आप इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। टॉप लेफ्ट रीजन जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं विद जीरो, राइट। उसके बाद हम वन 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 बाय वन मूव करते जाते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम सीक्वेंस स्कोर ऐड करते जाते हैं। अच्छा, अब जो ऐड करना है स्कोर अलाइनमेंट का, व्हाट इज दैट, जो स्कोर हम ऐड करते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोर। वन इज मैच, ठीक है, अदर इज मिसमैच, ठीक है, और जो थर्ड वन इज गैप, ठीक है। तो हम ये भी हमने इसको इन फ्यूचर पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है क्लास में। मैच मीन्स क्या, इफ देयर इज अ मैच, फॉर एग्जांपल यहाँ ए और ए का मैच है इस जगह पे, तो वी विल गिव इट अ पॉजिटिव स्कोर, ठीक है, हम उसको कोई पॉजिटिव स्कोर दे देते हैं, राइट। अगर कोई मिसमैच है, ठीक है, और अगर कोई गैप है, ठीक है, तो या तो हम उसको कोई नेगेटिव या स्कोर दे देंगे या उसको कोई जीरो स्कोर दे देंगे, नेगेटिव या जीरो स्कोर। ऑब्वियस नेगेटिव का क्या मतलब है, कि इफ देयर इज अ नेगेटिव मींस के इसका जो स्कोर है या इसकी जो अलाइनमेंट है, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड अलाइनमेंट, तो हम उसको पेनल्टी दे रहे हैं। पेनल्टी हमेशा नेगेटिव ही होगी या जीरो, आप कह रहे हैं कि इतना, इफ मतलब यू आर वेरी लीनियंट, तो आप इसको जीरो स्कोर भी दे सकते हैं। तो जो स्कोर जो हम देते हैं, दिस कैन बी एनी स्कोर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है, मतलब आपने वन ही स्कोर देना है या टू ही स्कोर देना है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज अलाइनिंग द सीक्वेंस, आप कोई भी डिफॉल्ट स्कोर रख सकते हैं। हर स्कोर से ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्कोर होगा आपके पास पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो आपका रिजल्ट हमेशा सिमिलर ही आएगा, अलाइनमेंट आपकी सेम आएगी। स्कोर का नंबर वेरी कर सकता है,
बट अलाइनमेंट का स्कोर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव स्कोर फॉर मैच, नेगेटिव और जीरो स्कोर फॉर मिसमैच, एंड नेगेटिव और जीरो स्कोर फॉर गैप, राइट? अच्छा, अब इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कि व्हेनेवर वी ये अब आप सात स्लाइड्स आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाली बात जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि फॉर मैचेस, ठीक है, फॉर मैचेस यू गिव, ठीक है, जो स्कोर जो आ रहा होता है दैट इज डायगोनल के मैचेस जो स्कोर आएगा या मिस मैचेस से जो आप स्कोर ऐड करेंगे वो आप डायगनली ऐड करेंगे, ठीक है? डायगनली ऐड कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे अलाइनमेंट करके बताता हूँ कि वेन एवर यू एड इफ देयर इज एन अलाइनमेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें डायगनली स्कोर ऐड करेंगे. इफ देयर इज अ आप कह लें कि मिसमैच, ठीक है, तो आप उसका स्कोर भी डायगनली ऐड करेंगे. बट इफ देयर इज अ गैप, ठीक है, गैप है तो आप उसका स्कोर या हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या वर्टिकली ऐड करेंगे. ठीक है, ये जब आप ये वर्टिकल है, ठीक है, सीधा है, और ये हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे. तो इट्स एक आप समझ लें कि दिस इज द फोर्थ सॉर्ट ऑफ रूल कि पहले आपने टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज करना है जीरो से, फिर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोर, मैच, मिसमैच और गैप के स्कोर आपने इंसर्ट करने हैं, और वो आपने करने कैसे हैं कि व्हेन यू आर अलाइनिंग द व्हेन यू आर मेकिंग द मैट्रिक्स, तो आप उसमें जो स्कोर ऐड करेंगे दैट शुड बी डायगनली, ठीक है, और डायगनली हमेशा हमेशा डायगनली, जब भी आपने डायगनली स्कोर ऐड करना है तो वो आपने मैच या मिसमैच का करना है, और जब भी आपने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐड करना है तो वो गैप का स्कोर ऐड करना है, ठीक है? अच्छा, अब थ्री पॉसिबल वेज से स्कोर आ रहा है ना. अब ये जब आप आई एम कंसिडरिंग इट कि आपने सात स्लाइड्स ओपन की, वो पीपीटी ओपन की हुई है, राइट? तो अगर आप यस, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि तीन जगहों से स्कोर आ रहा है, डायगनली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है और वर्टिकली आ रहा है, राइट? तो यस, तो जो उसका जो फिफ्थ आप रूल समझ लें, उसको फिफ्थ रूल्स, ये रूल्स मैंने वैसे खुद मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड बनाए, मतलब ये दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप जो इसमें यूज़ होते हैं, तो आप उसको रूल्स कह लें, कुछ भी कह लें, ऐसा कोई इसमें कोई वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है. फिफ्थ रूल ये कि ऑब्वियसली देखें, जब एक सेल में, इसका मतलब है कि किसी भी बॉक्स में अगर आपको स्कोर ऐड करें, फॉर एग्जांपल ये टी और टी है, ठीक है, इसका मतलब है इसमें एक डायगनली भी स्कोर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी आ सकता है और वर्टिकली भी आ सकता है, राइट? तो उसमें फिर आपने जब तीनों तरफ से जो स्कोर आएगा, ठीक है, जो आप ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगनली, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपने उस बॉक्स में ऐड करनी है. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से टी और टी को आप ऐड करें, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी लेफ्ट से, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगनली, आपने उन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू उस बॉक्स में ऐड करनी है. तो हर बॉक्स में, इट मीन्स कि हर बॉक्स को जब आप अलाइन कर रहे होंगे तो आपको तीन डिफरेंट स्कोर्स कैलकुलेट करने हैं, वन फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, वन फ्रॉम वर्टिकली एंड वन फ्रॉम डायगनली, ठीक है, और उसमें से आपने वो बेस्ट स्कोर, बेस्ट स्कोर मीन्स कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो आपने उस बॉक्स में इंसर्ट करना है, ठीक है. इसी तरह सो आप यहाँ से लेके फिर आप लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करके इसी तरह वन बाय वन सब में स्कोर ऐड करते 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 आप राइट बॉटम तक जो है वो पहुँच जाएंगे, राइट? तो दिस वे यू कैन, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू, ठीक है, फिल द होल बॉक्सेस. ये मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है. और उसके बाद एक लास्ट चीज है, दैट इज ट्रेस बैक. ट्रेस बैक, ठीक है, ट्रेस बैक में, ठीक है, जो जब आपका पूरा ट्रेस बैक मींस कि यू हैव टू ट्रेस फ्रॉम द टू फाइंड द एग्जैक्ट अलाइनमेंट. जो आप अलाइनमेंट आप देखते हैं ना, जब आपने ब्लास्ट रन करते हैं तो आपको एक अलाइनमेंट बार मिलता है, या अभी जैसे आपने पीपीटी में देखा था वी आर ह्यूमंस वी आर नॉट ह्यूमंस की एग्जांपल थी, जिसमें उसने अलाइनमेंट करके बार्स इंसर्ट किए थे, तो वो जो अलाइनमेंट है वो ट्रेस बैक के थ्रू बनती है, ठीक है. तो वो ट्रेस बैक नीडलमैन में आप शुरू करते हैं फ्रॉम द, आप कह लें जनाब अली के, फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू,
जो हाँ भी फ्रॉम सॉरी फ्रॉम द मैक्स नॉट फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू बट जो राइट जब आप लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करके राइट बॉटम तक सारी अलाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो जो राइट बॉटम में यहाँ पे जो वैल्यू होगी ठीक है वहाँ से आप ट्रेस बैक स्टार्ट करेंगे और यू विल मूव बैकवर्ड टुवर्ड्स द अलाइनमेंट ठीक है तो ये मैं आपके